यहां मुद्दा से बढ़ करके पार्टी बड़ा नहीं है, मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर के मैं चलूंगा ना। कोई बैनर होगा ऐसे ही निकलेगा, लगाएंगे गुरु जी का लगाएंगे, पार्टी का नहीं लगाएंगे अगर लोगों को तकलीफ होता है। क्यों लगा? सुप्रियो बोला जो जिसने भी आज तक नेतृत्व को चैलेंज किया है उनका हश्र देखिए। अच्छा ठीक है, जिसका हश्र हुआ है लोग भी हश्र होगा तो वो भी देखिएगा। अच्छा दादा एक चीज बताइए, मैं पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ और सरकार को खिलाफ में नहीं हूँ, सरकार के अगेंस्ट में हम नहीं बोलते हैं और कोई संगठन के विरोध में हम नहीं हैं। दादा अच्छा दादा ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि साजिश हो रही है, हेमंत बाबू को हम बहुत मानते हैं और हमसे छोटे हैं, भतीजा है, हम डांटेंगे बोलेंगे, अगर उसको तकलीफ बन देगा तो मान ले, ये अधिकार बनता है मेरा। सुने ना भाई, आप कौन लगा रहा है, कौन लोग है, पहचानने का जरूरत है, अगल के अगल बगल के लोगों को पहचानने का जरूरत है, वो किधर आपको मूव कर रहा है, किधर आपको ले जा रहा है, क्यों जा रहे हो आप? ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला पार्टी, आज जंगल उजड़ रहा, पहाड़ उजड़ रहा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिवासी लोग मूलवासी लोग पहाड़ में वो उजड़ रहे हैं और यहाँ पत्थर कोयला बालू, कौन बताएगा, कौन रोकेगा? आप जो आपका अभियान होगा जो बोल रहे जिला निकलेंगे पार्टी का कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता, पार्टी का झंडा लगाता है, और मैंने मीटिंग में भरी मीटिंग में हमने कहा पाकुड़ में भी और बोरियो में भी कि भाई आप ही लोग हैं चुनाव के वक्त में आप लोग इतना इतना झंडा ढोए और अभी कहाँ एक भी झंडा, बोले कि नहीं ढोएंगे, लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और SPT एक्ट को सी और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहाँ हमारे लोग शहीद हुए हैं, इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए, और उसके चलते यहाँ CNT एक्ट बना, यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके जमीन से, और संताल परगना में सिद्धो कान्हो चांद भैरव बिरसा मुंडा फूलो झानो तिलका मांझी इन लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी, और वहाँ भी एक एक्ट बना, वो SPT एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग आज का संताल परगना में SPT एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर में CNT एक्ट अगर नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को गाज के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूँ कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो, कौन देखेगा इसको, न कमिश्नर देखता है, न DC देखता है, न SDO देखता है, न CO देखता है, और यहाँ धड़ल्ले से जमीन लिया जा रहा है, यहाँ के गरीबी का फायदा लोग ले रहे हैं और शिक्षा का फायदा ले रहे हैं और अपने ही लोगों को खिला पिला के दलाल बना दे रहे हैं और यहाँ जमीन लूट हो रहा है। क्या आज झारखंड के लोगों को बिहार में कहाँ कहीं लोग घर बनाया है क्या, बंगाल में घर बनाया है क्या, उड़ीसा में घर बनाया है क्या, छत्तीसगढ़ में घर बनाया है क्या, और आज झारखंड माने बिल्कुल खुला दरवाजा है और आने वाले समय में हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी जो हमको जानकारी मिली है पूरे झारखंड प्रदेश में 5 लाख अपार्टमेंट है और 5 लाख अपार्टमेंट में 12 आना वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए, 4 आना हमारे लोग, कोई खतरा नहीं है, काहे कि हम किसी का दुश्मनी मोल लिए नहीं है और किसी का दुश्मन हम कोई किसी का ना हम बिगाड़े, होगा होगा देखा जाएगा।
आप पार्टी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, संगठन के खिलाफ नहीं है, तो किसके खिलाफ ये कर रहे हैं? अरे आज ना दिखा रहा हूँ ना, आप ही का मेन्यू पोस्टर मैं बता रहा हूँ ना, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, तो कहाँ विरोध का बात हुआ? दादा विरोध नहीं, आप ये आईना दिखा रहे हैं। एक करके एक एक मिनट, आपने कहा सोनू को छोड़कर बाकी तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, हाँ लोग ये भी ब्लेम, नहीं लोग ये भी ब्लेम लगा रहे हैं कि पार्टी फॉर्म में इन्होंने नहीं रखा। विधायक लोग साथी से पूछ लीजिए, क्या विधायकों के साथ में हम लोग मीटिंग नहीं कराए? बोल करके कराए कि मीटिंग करिए, और उन्होंने कहा कि हम एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, दस बार करेंगे। विश्वास हुआ था, एक भी मीटिंग नहीं हुआ। अरे भैया आप नहीं खड़े हैं तो हम क्या करें, उसको जबरदस्ती खड़ा करवाएं? तो डरते हैं वो लोग, अब डरते हैं कि हिचकते हैं या क्या है उसके दिल के, इसीलिए तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पुनः। अच्छा दादा एक चीज बताइए, जेएमएम विधायक दल के नेता कौन है? विधायक दल, जेएमएम विधायक दल के नेता, आप लोगों ने नेता चुना था? बिल्कुल। कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आपके भी नेता हैं? हमारे नेता तो सरदार के नेता है यार, राजनीतिक नेता मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जेएमएम के तो विधायक है ना आप? बिल्कुल है। तो आपके नेता हुए ना हेमंत सोरेन? सरदार का नेता, पार्टी का नेता गुरु जी है, पार्टी का नेता। आप हमको इधर उधर से इधर मत करिए, समझे ना, हम भी समझ रहे हैं आपको। सदन का नेता है, सदन का नेता रहेगा। आप भी तो सदन के सदस्य हैं ना? हाँ तो है, तो ठीक है, तो सदस्य में, सदन में नेता है मेरा है। आप मान का नहीं रहे उनको नेता दादा, एक बार दत्तरी यार बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा दादा, आप भतीजा को भी बोलिएगा, बाप बोलिएगा, ऐसा होता है दादा? 5 साल तक रघुवर जी का राज था इसके पहले, उस समय पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है, और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है, और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में, 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है, और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा। लोबिन हेब्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पूछे दिल में, तुम यही पार्टी के पैदाइश हो, और कहाँ कहाँ तुम कौन कौन घाट में तुम पानी पिए हो, उसका जवाब दो। और हमने चिट्ठी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, और हमारे गुरु जी को भी लिखा है, इस चिट्ठी का जवाब हमको मिलना चाहिए। और हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये स्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है, तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है, और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहाँ भी विदा लिए। पत्नी बोल रही थी, उसको जानकारी नहीं है क्या है राजनीति, लेकिन वो बोल रही थी, इतना बड़ा बेड़ा आप क्यों उठाए, कहाँ रहोगे, क्या होगा तुमको, तुम जेल जाओगे, हो सकता है क्या क्या जो बोल रही था, बोले चुपचाप रहो,
ये दो तीन ठो बेटा बेटी हम लोग का पोता नाती है, तुम इसको देखो, हमने पूरा झारखंड प्रदेश बना, हम एक गार्जियन के रूप में हम निकलेंगे। और आज हम ये आप लोगों के माध्यम से हम 12 तारीख को यहाँ इसी विधानसभा में एक मीटिंग हमने बुलाया है, और हर जिला से 2-5 करके लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों का ओपिनियन लेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, सारे का रणनीति ऐसा बनाऊंगा, और हर जिला में प्रोग्राम होगा मेरा। एक दिन में 2 जिला होगा या एक दिन में 1 जिला होगा, और हर जिला में जा जाकर हम इसको करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, और अगर सरकार चाहती है, कुछ लोगों ने हमको बुलाया कि नहीं आपका बुलावा होगा, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, एक शर्त में ये लिखित दे कि स्पेशल सत्र हम बुलाएंगे और डिबेट करा करके इसको हम पास कराएंगे, इसको हम लागू करेंगे, तभी जाने का होगा, जाएंगे, गुरुजी के यहाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारे गुरु हैं। आज इतना फोर्स मेरे पीछे लगा दिया, आज वही फोर्स धनबाद में टूंडी में एक आदिवासी लड़की का रेप होने के बाद मर्डर हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, वही फोर्स अगर यहाँ लग भिड़ा देता शायद अभी पकड़ा जाता। आज ये यहाँ पर अभी हम गए थे पूजा करने के लिए चुटिया में, जानकारी देना होगा हर जगह जा जा करके, और इसीलिए वही 5 तारीख को निकला। और अपने से जिस दिन जो बोले विधानसभा में, मैं मेज पर 3 बार मुड़ी ठोका और वहाँ से निकल गया, और इसके बाद आपकी मीडिया के बीच में आया हूँ। और तो और मेन बजट में जो हमने भाषण दिया, इसके बाद कौन विधायक अनुदान मांग पर कौन बोलेगा, तो जो पक्ष में बोलेगा विपक्ष वाला तो अपना अलग बोलेगा, लेकिन यो पार्टी का मुख्य सचेतक तय करता है, ऐसा ही चले आया है शुरू से। और हमको बुलाया गया कि 6:30 बजे चंपाई सोरेन के घर में मीटिंग होना है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है, और मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बुलाते हैं चैम्बर में, और अपने से एक एक आदमी को कौन कौन में कौन बोलेगा, हमको बोला, हम भी सोच रहे थे कि हमको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और बहुत तकलीफ हुआ हमको। एक तो सीनियर भी हैं जो नए हैं, उसको 2-2 बार मिलता है, 3-3 बार मौका मिलता है, लेकिन हमको नहीं दिया गया, तो अच्छा नहीं लगा हमको ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा उम्मीद भी मेरा नहीं था। बट अभी हम निकले हैं, ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, SPT एक्ट, CNT एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, और नहीं तो हम लोग बोलते रह जाएंगे। हम देहात में देखे हैं ना, सांप कटा हुआ आदमी को लोग झाड़ता है नीम का पत्ता से, झाड़ते झाड़ते बोलता है थोड़ा सा घट गया, नीचे उतर गया 20, फिर कभी कभी चढ़ जाता है, फिर नीचे उतर जाता है, झाड़ते झाड़ते सुबह होते में वो आदमी मर जाता है। तो हमको लगता है कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए कि होने वाला है, फिर सोचेंगे होने वाला है, लास्ट में कुछ नहीं होगा, भाषण देते देते लोग मर जाएगा, उसी तरह से ये भी टाइटाई पीस हो जाएगा। इसलिए पुनः अभी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं उसको, दिल से चाहते हैं, और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्यों लड़ेंगे, नेता हमारे गुरुजी हैं, हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, और इसके बाद और सब जमीन लिया गया है, और वो जमीन वो बिहार सरकार खरीद रही, बिहार सरकार बेच रही है, खरीद रही बेच रही बिहार सरकार बेच रही है, यही है। राज तो अलग हुआ, बिहार से तो राज अलग हुआ, बट झारखंड अलग हुआ, लेकिन झारखंड से बिहार अलग नहीं हो सका है अभी तक।
इसलिए बहुत रोना रोना है। और मैं अपने ही सरकार में एक रोड के बारे में अभी कल एक घटना घटी। एक बच्ची स्कूल से आ रही थी, मैंने ट्रक रोन दिया पूरा पैर और एक हाथ, हॉस्पिटल लाते लाते एक पैर कर गए। उसके 10 दिन पहले दो लड़की नदी में कूद गई, कमर टूट गया उसका। उसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ है। और इस रोड के बारे में मिर्जा चौकी से लेकर के आपका श्रीपुर तक, और श्रीपुर बुआरीजोर से, और बुआरीजोर से लेकर गोड्डा जिला पड़ता है, बुआरीजोर से लेकर के ललमटिया तक, ये हमने असेंबली क्वेश्चन में भी तारांकित प्रश्न में दिया, निवेदन में भी दिया, शून्यकाल में भी दिया, सेक्रेटरी से बात भी हमने किया, कुछ नहीं। आज एक्सीडेंट हुआ, वो मरा है, लोग बोलता कि सर सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, आश्वासन मिल रहा, सेक्रेटरी से भी हमने बात किया। तो अपनी सरकार में एक सड़क भी नहीं काम होगा, इसलिए किसके लिए हम हैं? खाली सरकार बनाने के लिए? पब्लिक है, पब्लिक का जो भी समस्या सारे। और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने विधायक साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहो। और ये झारखंड का तो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम लोग इसी जवाब दें, क्यों नहीं देंगे? आप भी तो यहाँ के चुने चुने नव आदमी, आपको वोट आप चुन करके आए हैं। तो आज हमारे खास करके पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, नए विधायक हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी सोचें, ताकि एक अच्छा झारखंड बने। क्या अभी तक रिजल्ट आया? ये 22 साल हो जाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फेंका फेंकी होते रहा। आज यहाँ TAC है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये तो फुटबॉल बना हुआ है, गवर्नर हाउस है राज्य सरकार और राज्य सरकार फिर गवर्नर हाउस। आज तक एक भी मामला ट्राइबल लोगों का नहीं गया। नहीं, आप सड़क की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप भाई सदन में था क्या? आंदोलन करते नहीं दिखे अभी भी तो? क्या बात करते हैं, हम शुरू से आंदोलनकारी रहे हैं। अच्छा, और जमीन का आंदोलन, लोगों को महाजनों का जमीन निकलवाए हैं, अभी लोग जोत रहा है, उसमें हम जेल गए हैं, गोड्डा जेल गए, भागलपुर जेल गए, सेंट्रल जेल गए हैं। आप हमारे आंदोलन को देखे कहाँ? दादा एक सवाल ये है, और 14 में हम थे नहीं? दादा, अच्छा दादा, अमित महतो पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए अमित महतो सूर्य की लड़ाई के लिए आप आए उनकी पार्टी में, तो आप जाएंगे के? आपको आमंत्रित किया जा रहा है? अरे हम आमंत्रित कर रहे हैं, आपके पास कोई बैनर नहीं है दादा, लेकिन क्या अमित महतो? सुनिए ना यार, बिना बैनर का इतना आदमी दो तर यार, बैनर फेनर कुछ रहे लोभी नहीं, बरम बैनर है। अच्छा दादा, आप थोड़ा नरम पड़ गए हैं, क्या मतलब? अभी क्या नरम पड़े? भतीजा बोलने लगे गुरुजी को, गुरुजी तो खैर कैसे, बड़ा मुश्किल है रिलीज करके हटा दे क्या? नरम तो पड़ गए ना। क्या नरम पड़ गए? आप पैर खींच लिए पीछे। क्या बात, क्या बात करते हैं? बोलेगा कि डर गए दादा। मैं एक ईंट पीछे हटने वाला नहीं हूँ, समझे ना। आप जिस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें गीता श्री और राम थे, राजेंद्र बाबू थे, उस कमेटी की क्या अनुशंसा थी? सरकार का तर्क है कि उस कमेटी ने ही 82 का सिफारिश किया था। क्या था नहीं था, आप और सब मेंबर से भी पूछ लीजिए कि हमने पूरा उसका बना करके हम लोगों ने हैंड ओवर किया था कि नहीं किया था, कुछ आप भी बता दीजिए ना कि उसमें क्या था? उसमें भी यही था, उसमें भी यही था। 32 जी, जिसके खतियान वही है यहाँ का स्थल। एक सवाल नहीं यार, आप तो ना सुनिए, आपको हम पूछना चाहते हैं। आप जो लोग बिहार से आए हैं, जी, जी, जैसे उस दिन हमारे साथ बैठे थे नीवट पे, आप बिहार से आए हैं, आए हैं ठीक है, नौकरी करने आए हैं, ठेकेदारी करने पे आए हैं, व्यवसाय करने के, कोई विरोध तो नहीं था, लेकिन आप यहाँ जमीन भी लूटोगे और नौकरी भी लूटोगे? सबसे पहले आदिवासी लोग ने आदिवासी का जमीन लूट रहा है। फालतू वाला बात मत बोलिए, छोड़िए छोड़िए, आदिवासी टू आदिवासी, नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, डाइवर्ट कर बात, नहीं 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 नहीं, जो पॉइंट था मेरा, जो जो पॉइंट जाने हो गया, जो पॉइंट। और यहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में भी नौकरी लेगा, एक तरह जमीन भी लुटा रहा है और एक तरह नौकरी भी लुटा रहा है, इस बात को हम बराबर सदन में रखे हैं। और खास करके ये SPT एक्ट, CNT एक्ट के बाद पैसा एक्ट, ये पैसा एक्ट ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज तक इसका रेगुलेशन नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई?
ठीक है पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार है और इसी के लिए लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और हमारी सरकार में भी इस पेशा एक्ट के लिए रेगुलेशन नहीं बनेगा, नियमावली नहीं बनेगा। यहाँ पर अभी हर जगह अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, अभी नगर पालिका को बढ़ाया दिया जा रहा है, अभी हर जगह नगर पालिका बढ़ा है, हर ये 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा है तो जितने वहाँ आदिवासी मूलवासी है, गाँव का जो उसका संरचना है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। और एक तरह से अलग से टैक्स भी लगेगा, ये एक तरह से ये भी जमीन लूटने का ही एक आधार बनेगा। तो इसी बात को मैं बार बार बोलता हूँ। और सदन में हमने भाषण दिया था मेन बजट पे, और मेन बजट पे भी बजट के बात को बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था। और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर SPT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, CNT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पेशा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया, तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीता सूरी उरा भी थी, चंपई सोरेन थे और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गए। तो मैं अपने आवास में आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई हैं, कृपा हैं, और इतना चिलचिलाती धूप में भी आप आए हैं उसके लिए सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज का हमारा कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था और मैं 5 तारीख को घर से निकला हूँ और इसके बाद पाकुड़ में आम सभा करने के बाद मैं अभी रांची आया हूँ और इसके बाद फिर यहाँ भी हमारा कार्यक्रम कुछ है और उसी के दरमियान हमने कहा कि एक PC हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर लोगों ने ब्लेम लगाया है। ब्लेम यही लगाया कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये गोविंद हेम्ब्रम का अपना कार्यक्रम है, इसलिए जिला के कार्यकर्ताओं को पता नहीं यहाँ से आदेश मिला होगा और जिला के पदाधिकारियों ने प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के सारे कार्यकर्ताओं को जवाबदेही के साथ उन लोगों को बोला गया, दबाव भी दिया गया कि लोबिन हेम्ब्रम की बैठक में कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं होगा। और अपने तो लोग शामिल नहीं हुए, लोगों को भी उल्टा पुल्टा पढ़ाया कि वहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम का तंबू को पुलिस ने उजाड़ दिया है, कई लोगों को लाठी भी लगी है, आप लोग बच जाओ, बहुत प्रयास किया। तो सबसे पहले हम साहेबगंज जिला के अंतर्गत बोरियो विधानसभा में, बोरियो प्रखंड में 3 तारीख संडे का दिन था और इसलिए हमने सोचा कि भाई प्रखंड मुख्यालय में आज तो हटी ब्लॉक भी बंद है तो प्रखंड परिसर में ही बगल में मैदान है उस पर हम करेंगे, 4 दीवारी के अंदर में। तो वहाँ पर भीड़ जुटी और वहाँ पर हमने तिरपाल ऊपर लगाने का काम किया, स्टेज बनाने का काम किया। फिर लास्ट आवर में वीडियो ने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा,
और गुरुजी है, अगर वो हमको दो थप्पड़ मार भी दे बर्दाश्त कर लूँगा। बर्दाश्त क्या करूँगा, अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पर रख दूँगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मर्डी कि ये दवा दुकान वाले के पास जितना भीड़ होता है उतना भी लोग हम लोग के मीटिंग में भीड़ नहीं होता है। बोलिए, और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है। अरे वो मेरा गुरु है यार, अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है। गुरुजी हमारे आदर्श है, हमारे आदर्श नहीं पूरे झारखंड के आदर्श है। वही तो एक ऐसा नेता है, मैंने बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के नेताओं को भी देखा है, कोई भी नेता रात में मीटिंग नहीं करता, किसी का हिम्मत नहीं है। और गुरुजी के मीटिंग में प्रत्येक साल हम देखते हैं दुमका में 2 फरवरी में, इसको देखने के लिए इसको सुनने के लिए गरीब लोग अपना खाना खा के चलते हैं, रात भर शीत लहर में बैठ करके गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी को सुनते हैं। कौन ऐसा नेता है देश में जी पूरे रात भर उसको देखने के लिए उसको सुनने के लिए, कोई ऐसा नेता पैदा हुआ नहीं हुआ। और आज तक मात्र गुरुजी को ही पता था अलग राज क्यों चाहिए। अलग राज इसलिए चाहिए कि यहाँ मिनरल्स ही मिनरल्स है, यहाँ खनिज संपदा भरा पड़ा है, और यहाँ का स्थिति जब तक राज अलग नहीं होगा तब तक गुरुजी का आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद राज अलग हुआ, और राज अलग होने के बाद हमारी सरकार बनी, और जो मैनिफेस्टो में है वो लागू नहीं हो रहा। और ये है जो हमारे स्टीफन मरंडी जी है, बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, बहुत मैं मानता हूँ उसको, बहुत मैं मानता हूँ। और ये बताइए ये कौन कौन पार्टी कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा। अरे गुरुजी का फोटो हम जहाँ भी रहेंगे कहीं भी रहेंगे किसी भी परिस्थिति में रहेंगे गुरुजी का फोटो दिल और दिमाग में है, और हम उठने के बाद भगवान का पूजना कर भगवान का नाम लेने के बाद गुरुजी का मैं पैर छूता हूँ। बैठे बैठे सो करके हम उठने के टाइम में भगवान को याद करके सबसे पहला हम गुरुजी के पैर को चमन नमन करते हैं। तो गुरुजी का फोटो हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को। और ये स्टीफन मरंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बांझी लेकर साहेब जिला में बोरी के बगल में पड़ता है, तालझारी में भी और बुआरी जोर में तो 2-3 जगह मैंने 50% आदमी मेरा लौट गया, और बहुत आदमी हिम्मत करके बिहार पगडंडी पे रास्ते पर आए। तो इतना हमको समझ में नहीं आया कि भाई इतना फोर्स क्यों, क्या हम कहीं वातावरण बिगाड़ रहे थे क्या। क्योंकि मेरा क्षेत्र है और ये SPT एक्ट CST एक्ट 1932 के आधार पर स्थानीय नीति खतियानी आधारित नियोजन नीति, यही सब तो मेरा मुद्दा था, लोगों को बताते। लेकिन चलिए सच्चाई की विजय होती है, और मैंने किसी का कुछ बिगड़ा भी नहीं। मैंने इतने लोग जुटे जो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लोग जुटेंगे। जितना बड़ा पंडाल बनाए तो उससे भी बाहर छपला गया, और बीच में हम जाकर के अपना विचार लोगों के साथ रखे, और इसके बाद सबको हम बोले कि भाई आप लोग आप आस्ते आस्ते करके, और हमने माइक से बोल दिया कि ये अभी बहुत गाड़ियाँ अभी चल रही है, हमने बोल दिया खाना वाले को कोई भी यहाँ हो आप लोग हमारी बात को सुन रहे हो, यहाँ से हमारे लोग निकल रहे हैं, कुछ पैदल से निकल रहे हैं, कोई ऑटो पे निकल रहे हैं, किसी भी तरह के लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो लोग निकले और मैं भी वहाँ से आया। मैंने ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बॉर्डर में कुछ होने जा रहा है, ये किसके इशारे पे हुआ, क्यों हुआ। और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं सही चीज को बोलने में। खैर वो जो हो गया, आने के टाइम में कुछ एक जगह में
जहाँ जहाँ चेक नाका लगा लगा हुआ था वहाँ हमने पूछा क्यों आप लोग ऐसा किए हो, किसके आदेश पर किए हो? सर ऊपर से आदेश था, ऊपर से आदेश था। चलिए तो ये इस तरह से किसी की बोली को दबना पुलिस फोर्स के द्वारा, आखिर शासन प्रशासन के लोगों का ही आदेश होगा। तो इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र का ये गला घोटने का काम हुआ कि भाई यहाँ नहीं होगा, लॉबी ढमरम का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। तो फिर हम आनन फानन में क्या करते, जो ऊपर से आदेश है तो वीडियो क्या कर सकता है? तो बोला कि सर यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ऊपर से आदेश आ गया है, आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। हम बोले संडे है, आज तो ब्लॉक बंद है। नहीं नहीं, ऊपर से आदेश आया। तो फिर आनन फानन पे हमने सारा खंबा खुट्टा उखाड़ करके, हम इसको अपना सीपू सोलन जनजाति है इंटर कॉलेज स्टेडियम है, मैं वहाँ लेके चला गया और रात भर काम होते रहा कि भाई भीड़ जुटेगी, धूप है। लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया, थोड़ा बादल भी हुआ उस दिन। और जब मैं वहाँ गया, नहीं रात में जब पता चला, हर प्रखंड में पूरा का पूरा फोर्स उतार दिया गया। तो हम बड़ा सोच में पड़ गए कि आखिर क्यों, एक तो वो ब्लॉक कैंपस में नहीं करने दिया, ठीक है कॉलेज में हम कर रहे हैं, और रात में इतना फोर्स उतार दिया बोरियों में, मंडरों में, बुआरी जोर में, तालझारी में, और रात में फ्लैग मार्च करा दिया। तो हम थोड़ा सोच में पड़े कि ये डिस्टर्ब करेगा। फिर हम बहुत चिंतित थे, सुबह में जगह जगह पर लोगों ने चेक नाका बना दिया। अब हम तो 3 बजे भोर को वहाँ पहुँच गए, और जब वहाँ देखे कि हर जगह फोन आने लगा कि दादा हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये नहीं आने दे रहा है, फोर्स है यहाँ पर, बैरिकेडिंग लगा दिया। बड़ा संजम से पड़ गए। फिर लेडीज लोग भी फोन किए कि दादा हम लोग कैसे जाएंगे, किसी के गोद में बच्चा है, लेडीज लोग है। आप बोले कि माँ जहाँ भी हो आप अपना गाज के नीचे आराम करो, देखा जाएगा। और हमने फोन पर कहा अगर नहीं आने दे रहा है तो मारपीट आप लोगों को नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उन लोगों के साथ किसी तरह का धक्का मुक्की भी नहीं करना है। हाँ उन्होंने बोला कि आप पैदल आवा, पैदल चलो, गाड़ी छोड़ दो। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।